ले जी दुनिया की सारी खुशियां आपका भाई लूट लाया है, बत्ती नहीं होती भैन। तो आज आप सोच रहे होंगे कि ये सारा ब्लैक ब्लैक सीन क्या है, तो ब्लैक सीन की जरा स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। आपने गोल्डन बॉक्स का नाम सुना होगा, डायमंड बॉक्स का नाम सुना होगा, सिल्वर बॉक्स का आपने नाम सुना होगा, लेकिन ब्लैक बॉक्स नाम की भी कोई चीज होती है भाई, जो कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ब्लैक कर गया। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं अपने ब्लैक बॉक्स की तरफ। तो भाई साहब, ये है अपना आज का पहला जिंदगी का ब्लैक बॉक्स, जो कि अपनी जिंदगी में फर्स्ट ब्लैक बॉक्स आया है, वो ये वाला है। जिस दिन कैनन कंपनी ने अपने आप को रेड से ब्लैक में शिफ्ट किया है ना, तब से अपनी जिंदगी में भी एक ही चीज चल रही थी कि भाई एक ना एक दिन आएगा जिस दिन हम भी खुद को ब्लैक में शिफ्ट करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से अपने पास कैनन आर। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं यार। अनबॉक्सिंग आपके सामने, पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग हो गई है, क्योंकि वो दुकानदार जिससे मैंने ये परचेज किया है, वो बंदा भी कह रहा था कि यार मैंने अनबॉक्सिंग करनी है, तो उस बंदे ने इसकी अनबॉक्सिंग की और उधर मेरे सामने आपके साथ जो इसकी सेकंड अनबॉक्सिंग है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। अब इसकी पैकिंग शैकिंग सारा सिस्टम ही चेंज है। जो चीजें आपको पहले कैनन के बॉक्स में मिलती थी रेड वाले में, उससे जरा फुल्ली शशके वाला माहौल है इसमें। तो इसकी मैनुअल गाइड्स वगैरह तो कोई नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ेंगे। ये इसकी उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें लगाई है ना, पहले वो गत्ते का बना के इसी डब्बे के गत्ते का ही होता था, वो इसके ऊपर रख देते थे, अभी उन्होंने अच्छे वाला ये बना दिया है। इसके बाद ये सारा यार इसके चार्जर स्ट्रैप तारें वगैरह इसकी निकाल दें, हम मेन चीज़ पर आते हैं जो हमें चाहिए। आशिकों का जनाजा है, निकलेगा ज़रा धूम से। तो भाई इसके साथ हमने इसका लेंस भी परचेज किया, मुकम्मल किट ही हमने बाय की है। तो ये रहा इसका किट लेंस। अभी आपको ना जरा हम कैमरा दिखाते हैं। तो ये जी हमारे पास कैनन आर की बॉडी है, अभी इसकी मुकम्मल उसको हमने ना बंदे को कह के इसके ऊपर प्रोटेक्शन भी, इसकी स्क्रीन की प्रोटेक्शन लगाई है, और इसकी मुकम्मल आप इसका रिव्यू, हम पाकिस्तानी बंदे हैं भाई, इतना मम्मी डैडी रिव्यू नहीं हमें आते, हम जो हल्का फुल्का पाकिस्तानी रिव्यू आपके सामने इसका दे देते हैं। मेटल की बॉडी है, बिल्कुल अच्छी है, और ग्रिप इसकी बड़ी मज़े की है। अगर आपने बाकी अपने से बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं, आपने अगर इसका मुकम्मल रिव्यू देखना हो तो उधर से जाके देख सकते हैं। फुल फ्रेम कैमरा है और अपने बजट का कैमरा है। इसके ऊपर लगाते हैं अभी अपना लेंस। अच्छा, मेरे पास ऑप्शन दो थे अपने बजट में, एक तो 6D Mark II और दूसरा था नाइकॉन, लेकिन नाइकॉन का भी यही था कि 750 या 850, लेकिन उस बजट में अगर हमें ये एक अच्छे वाला कैमरा मिल जाता है, थोड़े बहुत आप ऊपर नीचे कर लें। अभी इसकी हम प्राइस की बात नहीं करेंगे, प्राइस का इसका डॉलर के हिसाब से चलती है, और डॉलर आपको पता है कि पाकिस्तान में तो रोज़ ही चेंज होती है करेंसी, तो रोज़ ही इसकी प्राइस ऊपर जा रही है, तो इसकी प्राइस पर हम नहीं आते। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं। बाकी यार इसके जितने भी फीचर हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे, अभी इसके ना जो एक दो फीचर मेरी समझ में जो आए हैं, एक तो 26 MP का ये कैमरा है, 26.2 MP टच स्क्रीन है, और व्लॉगिंग के लिए भी इसमें शशका है कि फ्रंट पे LCD आप ऐसे करके व्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और बाकी इसका यार जो मज़े का सीन है ना, वो यही है कि आपने ऐसे पकड़ी है ग्रिप, पता ही नहीं कैमरा पकड़ा है, बड़ा ही इसका स्मूथली, और वेट भी बड़ी अच्छा है, और ग्रिप इसकी सबसे मज़े की चीज़ है।
कान से मैंने बाय किया है, वो बंदे ने एक तो इसके स्क्रीन के ऊपर हमें प्रोटेक्टर ग्लासेस का लगा के दिया है, दूसरा उसने कहा था कि यार आप ना इसके एक प्रोटेक्शन कवर जो होता है इसका सिलिकॉन का बॉडी का वो भी आप लगा लो, वो बंदा दे भी रहा था, लेकिन मैंने कहा कि हम नहीं, हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए जिसकी वजह से इसकी लुक, यार ये सारी लुक आप ख़त्म कर देते हो, जैसे कोई लोग 2 लाख का 3 लाख का आईफोन लेते हैं उसके ऊपर कोई 1500 का वो डाल के ना कवर सारी उसके ना, तो हमको उस तरह के शशके नहीं आते, हम इस तरह के बंदे हैं कि हमने कहा कि यार वो हम जो 3-4 हज़ार का हम सिलिकॉन कवर इसका लेंगे इसकी सारी यार लुक भी इसकी ख़त्म हो जाएगी, तो हमने उस पर ना पैसे नहीं इन्वेस्ट किए क्योंकि हमें चीज़ अच्छी नहीं लगती कि उसको छुपा के रखें या उसकी ज़्यादा प्रोटेक्शन करें, सो हमने ये 50 रुपये के ग्लव्स खरीदे हैं, क्योंकि ये जो फ्रंट है ना इसका यहाँ पे इसकी ग्रिप है मेन ग्रिप ये सारा रबड़ का होता है, तो इस पर जब आप हाथ लगाते हैं नाखून आपके लगते हैं, मेरे जिस कैमरे से अभी वीडियो बन रही है वो सारा इधर से डैमेज हो गई है उसकी रबड़, तो वो ग्रिप इसकी ख़राब हो जाती है नाखून लगने की वजह से, तो इस वजह से ना ये ग्लव्स पहन के हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके लिए हमने वो सिलिकॉन कवर नहीं यूज़ करना। यार आज की यही थी इसकी अनबॉक्सिंग और इसका हल्का सा रिव्यू जो था वो हमने आपके साथ शेयर किया, नेक्स्ट इसके जितने भी रिव्यूज़ वगैरह होंगे जो भी इसमें क्वालिटी है जितने भी हम इसकी टेस्ट करेंगे तो आपके साथ वो शेयर करते जाएंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, आगे अल्लाह रहम करेगा।